हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरी TBR 2024 की। और इसको बताते हुए मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ अपनी TBR 2023 की, जो बुरी तरीके से फेल हो गई है। हाँ, पर उससे आगे बढ़ के आज स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू TBR में। एंड आई होप कि इस बार तो मैं इस TBR को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूँ। प्लीज़। तो बिना किसी देरी के आपको दिखाता हूँ सारी बुक्स जो कि मैंने प्लान करा है कि इनको तो एटलीस्ट पढ़ूंगा। मेरे को बारे में बोलते हैं ये अजीब लग रहा है यार। तो इस लिस्ट की सबसे पहली किताब है जिसका नाम है योगी कृथामृत, जो कि लिखी है परमहंस योगानंद जी ने। तो ये किताब मैं बहुत टाइम पहले मैंने इसको खरीद लिया था और मैंने कई बार इसे कोशिश करी इसको पढ़ने की, पर मैं हमेशा इसको बीच में छोड़ देता था। बट आई थिंक कि मैं 2024 में इस बुक को पढ़ूंगा और इसको फाइनली कंप्लीट कर पाऊंगा। मैंने इस किताब के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, बीच में तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो गया था, बट फिर से यार पढ़ाई की वजह से, कुछ पेपर्स वगैरह की वजह से ना फिर छूट जाती है। इस बुक का तो ऐसा हिसाब है कि आप इसको एक बार पढ़ते जाओ, इसको छोड़ना मत। अगर इसको एक बार छोड़ दिया तो उसके बाद उठाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है, क्या नाम है भाई, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बाय बिल ब्रायसन। तो ये किताब जो है ये साइंस की किताब है, और जिनका भी साइंस में इंटरेस्ट है उनको पता है कि ये बुक कितनी ज़्यादा कमाल है। मैंने काफ़ी कुछ सुना है इस बुक के बारे में, और जहाँ तक ये बुक बताती है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, यानी कि इसके अंदर स्पेस टाइम से रिलेटेड जितनी भी आज तक एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में ऊपर नीचे करके सब कुछ बताया हुआ होगा। मैंने इसके 2-3 चैप्टर पढ़े हैं जो कि मुझे पढ़ने में मुश्किल लगे, पता नहीं क्यों। सबने बोला कि ये बुक बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा फन है, बट बिकॉज आई थिंक कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया और इतनी थोड़ी सी हार्ड लगी ये बुक। अदरवाइज़ ये बुक मेरे को अभी समझ में आने लग रही है थोड़ी थोड़ी। और इसके अंदर अभी बिग बैंग थ्योरी की बात करी गई है, उसके बाद 2-3 चीज़ों की और बात करी गई है, कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चंस करे गए हैं, उसके आंसर दिए गए हैं साइंस के थ्रू, जो साइंस में ऑलरेडी रिसर्चेज हो रखी है, फिर जो साइंस ने प्रमाण पेश करे हैं उन क्वेश्चंस को लेकर। तो या आई फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग और मैं चाहता हूँ इस बुक को मैं पढ़ पाऊँ, और क्योंकि ये बुक मोटी है मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट बुक है हमारे पास उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो कि मैंने आधी पढ़ी है। ये बुक मैंने बहुत पहले ली थी एंड आई होप कि मैं इस बुक को पढ़ूँ। मैं चाहता हूँ मैं इस बुक को बार बार पढ़ूँ क्योंकि आई फाइंड दिस बुक वेरी अमेजिंग। तो मेरे लिए तो है कि यार ये बुक बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑलरेडी बन चुकी है जब मैंने इसको 1/3 पढ़ा है शायद, बट मैं चाहता हूँ इस बुक को पढ़ूँ। मैं इसको मैं अपने दिमाग में रखूँ, जितना हो सके उसको याद रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये एक बुक है जो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा जब मैंने इसको पढ़ा। मेरे को लगा कि यार हाँ, फाइनली एज ए रीडर मैं उस लेवल तक पहुंच गया हूँ कि मैं ऐसे टाइप की बुक्स उठाने लगा हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है ऐसी बुक्स पढ़कर कि भाई हाँ भाई, पहले जब मेरे को लगता था, जब मैं छोटा था, कि भाई मैं कभी ज़िंदगी में रीड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मैं जब दूसरे लोगों को देखता था कि यार ये लोग रीड कर लेते हैं, पता नहीं रीडर्स क्या ही होते, कौन ही होते, कैसे रीड कर पाते इतनी मोटी मोटी इतनी बोरिंग बुक्स। बट फाइनली जब मैं ऐसे टाइप की बुक्स पढ़ पाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, फाइनली मैं भी ऐसे टाइप की बुक्स पढ़ पाता हूँ। उतना रिटेंशन मेरे में है, उतनी मेरे में पेशेंस अब मैंने डेवलप कर लिया है कि ऐसे टाइप की बुक्स को मैं पढ़ पाता हूँ और सबसे बड़ी बात समझ पाता हूँ। तो मैं इस बुक को पढ़ना चाहूँगा इस साल, डेफिनेटली बॉयज प्ले बैंड। तो जो नेक्स्ट बुक है हमारे पास उसका नाम है द डेली लॉज बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो ये बुक मैंने इस साल ली है, इसमें 365 मेडिटेशन है, 365 लेसन आप कह सकते हैं। तो ये बुक अगर मैं ढंग से फॉलो करूँ तो पूरे एक साल बाद ख़त्म होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को। एंड आई होप सो कि मैं इस बुक को कंसिस्टेंटली डेली इसका एक पेज पढ़ूँ। तो ये भी बुक मेरी TBR में है। तो नेक्स्ट बुक है जो हमारे पास उसका नाम है रेंज। मैंने किसी तो पॉडकास्ट में इसकी रिकमेंडेशन सुनी थी कि बहुत कमाल की बुक है। आई डोंट नो ये किसके बारे में, मेरे को इतना तक नहीं पता, पता नहीं किसके बारे में, बिजनेस के बारे में क्या है। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग लग रही है, किसी बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल या फिर कहीं अच्छी जगह से मेरे को इसका रिकमेंडेशन मिला था। तो आई होप सो मैं इसको इस साल पढ़ पाऊँ। इसके यहाँ पर लिखा हुआ एक रिव्यू किसी ने, एन एसेंशियल रीड फॉर बॉसेस, पेरेंट्स, कोचेस एंड एनीवन हु केयर्स अबाउट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। लेट्स सी। तो जो नेक्स्ट बुक है हमारे पास वो पिछले साल की TBR में भी रखी थी, ज़्यादा नहीं कहते, बस नाम बताता हूँ, फुल स्पेक्ट्रम, ज़्यादा नहीं बोलता, थोड़ी सी पढ़ी थी मैंने। आई होप, आई विश इस साल में से पढ़ूँ और कंप्लीट करूँ। तो जो नेक्स्ट बुक है हमारे पास ऐसी बुक्स को उठाते हुए भाई कुछ कुछ होता है, दहन आर की मैंने कितनी पहले ली थी भाई, और मेरे को ना बहुत पसंद है दोनों बुक्स, क्योंकि दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं और मेरे को ऐसी बुक्स देखकर ही ना कुछ कुछ होने लगता है। हार्ड कवर में है और ये काफ़ी कॉस्टली है दोनों ही,
मेरे को ये दोनों बुक्स अपने बुक शेल्फ में रखी हुई बहुत सुंदर लगती है यार, मेरे को पढ़नी है यार। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्यों बार बार इनको छोड़ देता हूँ, मुझे पढ़नी है, जल्द से जल्द पढ़नी है। और मैं चाहता हूँ इस बुक को मैं इस साल कंप्लीट करूँ। अब इस साल से वो हरकत नहीं करनी कि भाई पढ़ पढ़ के छोड़ देता हूँ, मैं कंप्लीट करनी है भाई। तो जो नेक्स्ट बुक है हमारे पास उनको साथ में दिखाता हूँ, दो बुक्स हैं। तो ये भी पिछली बार की TBR की हैं, पर इनसे मेरे को इतनी गिला शिकवा नहीं है क्योंकि ये बुक मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ ली है, मैं ख़त्म भी कर लेता बट वही अपना थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में फंस गया है, जिसकी वजह से मैंने इस साल कम बुक्स भी पढ़ी है। ये बुक मैं कंप्लीट कर लेता है, इसकी ऐसी कोई वो नहीं है, बट हाँ ये हो जाएगी, इसका मेरे को टेंशन नहीं है। पर करना है मेरे को, सिलेशन ले मैंने TBR में रखा है। ये अगेन एक थिक बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को ये बुक लगी थी। पिछली बार भी मैंने इसको कम पढ़ा हुआ था, इस बार भी मैंने कम पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा उसके बाद, बट आई होप सो कि मैं इस बार इसको अगले साल की वीडियो में मैं फिर से इसको इस लिस्ट में ना रखूँ, पर ये ख़त्म हो चुकी है उस टाइम तक, और उस टाइम तक आपको एक इसका बढ़िया सा रिव्यू और एक डिटेल डिस्कशन इस बुक के ऊपर मिल चुका हो। तो ये थी यार कुछ बुक्स, बहुत सारी यार। तो ये रही भाई, आजा आजा। तो भाई ये थी बुक्स, देख लो यार। थंबनेल के लिए फोटो ले लो। तो आप अपनी TBR शेयर कर देना, और ऐसी कमाल की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना किताबी टॉक्स को। तो मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।